नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, राइट्स की तरफ से जो है यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी आपका है तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने निकाला हुआ है। तो देखिए, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन को इसको देख सकते हो आप लोग। और देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आपका है जो इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट आपका है, तो ये देखिए पहले ही आपका निकाला जा चुका था, लेकिन इसका लास्ट डेट अभी आपका बचा हुआ है 25/8/2021, इसका लास्ट डेट है। और आप लोग जो है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू कीजिएगा आप लोग, तो आपको जो है इसमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग पीडीएफ को ओपन करोगे तो इसमें जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, ये जो है आपका तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने निकाला हुआ है। एक वैकेंसी आपका जैसे गेट के बेसिस पे निकाला गया था, और ये जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो पहला देखिए, इसमें जो आपका इंजीनियर सिविल ब्रांच वालों के लिए, तो इसमें जो है टोटल आपका 25 वैकेंसी है इसकी। और दूसरा आपका इंजीनियर मैकेनिकल वालों का, तो इनका देखिए टोटल 15 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है यहाँ पे देखिए टोटल 8 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और एज लिमिट की देखिए बात करते हैं, तो मैक्सिमम एज जो इन्होंने रखा हुआ है तो वह आपका 32 ईयर्स की रखी है इन्होंने। और जो कट ऑफ है आपका एज कैलकुलेट करने का, तो वो 1/7/2021, तो 1/7/2021 का आपका ये कट ऑफ इन्होंने निकाला, मतलब इस समय तक आपका एज 32 हो जाना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और यहीं पर देखिए बात करते हैं आपका जो डेजिग्नेशन आपका पे स्केल कितना रहेगा सिविल वालों के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपका रहेगा ये। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए आपका बीटेक या बीएससी होना चाहिए आपका, और डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है ये 2 ईयर्स का होना चाहिए। और एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है आपका, कि जो कैंडिडेट जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए चाहिए आपका, यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का आपका होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का आपका होना चाहिए सिविल ब्रांच वालों के लिए। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका जो मैकेनिकल वालों का है, तो जो पे स्केल आपका है तो दोनों का सेम ही है लगभग। यहाँ पे बीटेक बीएससी आपका होना चाहिए, और डिग्री होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। और किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, तो ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस में, प्रोडक्शन में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, और इसके साथ में मेंटेनेंस और ऑपरेशन में आपका हो गया। तो जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका इसमें एक्सपीरियंस अगर आपका है तो। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों की हम बात करते हैं, तो इनका भी देखिए जो आपका दिया हुआ है बीटेक बीएससी या फिर डिग्री मांगा हुआ है आपसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस है। और कौन सा फील्ड में आपका मांग है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आपका, साइट सुपरविजन हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, और साथ में मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स का आपका हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक देख लेना एक्सपीरियंस आपका, अगर इसमें 2 साल का है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी नीचे है कि जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं आपका यहाँ पे, मतलब कि जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और जो कैंडिडेट एसटीएससी या फिर जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं आपके, जो भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए फर्स्ट डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स का यहाँ पे देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका। तो ये देखिए जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और बाकी जो एसटीएससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो उनके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। और एक्सपीरियंस जो है आपका 1/7/2021 तक ये काउंट किया जाएगा, मतलब 1/7/2021 तक, इस डेट तक जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाना चाहिए। और इसके साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर आपका यहाँ पे है, तो इसमें देखिए इन्होंने जो है आपका यहाँ पे 3 स्टेज में रखा हुआ है। एक आपका देखिए पहले रिटर्न टेस्ट आपका होगा, पहले तो एक्सपीरियंस है जिसका कि आपका 5% कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर रिटर्न टेस्ट है, तो इसका वेटेज जो है आपका 60% रहेगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका रहेगा जिसका वेटेज है यहाँ पे 35% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना यहाँ पे। और इसके साथ साथ में देखिए टोटल आपका मिला जुला के यहाँ पे जो रहेगा आपका, तो वह है 100% का आपका यहाँ पे। तो मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपको लाना जरूरी है रिटर्न टेस्ट में, और मिनिमम 60% मार्क्स है आपका यहाँ पे जो कि आपका इंटरव्यू में है। हालांकि इसमें जो एसटीएससी कैंडिडेट है उनके लिए 45% है और 50% है यहाँ पर आपका, दोनों में आप लोग देख लेना है इसको। रिटर्न टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाना है जो भी जनरल कैंडिडेट है, और मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना है इंटरव्यू वाले में। इसमें एसटीएससी वालों के लिए कम है थोड़ा सा, 45 और 50, तो ये आप लोग देख लेना एक बार यहाँ पे। और इसके साथ में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रिक्वायर्ड नहीं है एग्रीगेट में, यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट आपका होगा तो वो मेडिकली फिट जो होंगे उसके बेसिस पे ही आपके होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, जो भी स्टैंडर्ड है इनका उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेडिकल भी लिया जाएगा, और इसके साथ में रिलैक्सेशन भी एज में दिया जाएगा। ये आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके रहते हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे इंगेजमेंट जो रहेगा, तो स्टार्टिंग में आपका जो प्रोबेशन पीरियड है तो वो 1 ईयर का आपका रहेगा, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे फिर बाद में जो है आपका वो करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। फिर इसके बाद देखिए नीचे बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो जो लोग जनरल OBC कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए EWS के नहीं OBC के लिए बात इन्होंने किया हुआ है, और जनरल का तो 600 रुपीज़ है, और साथ में टैक्सेस भी इसमें एप्लीकेबल आपका है। और इसके अलावा जो EWS ST SC PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए 300 रुपीज़ रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी। और इसके साथ में कोई भी आपका जैसे हेल्प अगर आपको लेना है, यानी कि अगर आप लोग फ़ोन करना चाहते हैं तो आप लोग इस हेल्प डेस्क पे आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका जो है यहाँ पे क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका अप्लीकेशन जो है अप्लाई करने का, इन्होंने देखिए जो डेट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो ये आपके 6 डिफरेंट लोकेशन पे आपके होंगे, एड्रेस पे यहाँ पे देखिए इन्होंने अभी दिया नहीं है इसमें कहाँ पे आपके होंगे। और यहाँ पे देखिए सिटी का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट का, तो ये सेंटर आपके रहेंगे तो आप लोग देख लेना है यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर है, तो इन्हीं सेंटर पे आपके एग्जामिनेशन होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आती है 30/7/2021 आपका ये स्टार्ट हो चुका है ये, और लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का 25/8/2021, तो 25 अगस्त तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और सिलेक्शन कब होगा तो ये जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे आपके इसमें तो वो हमने आपको बता दिया है, तो जिन लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है 2 साल का मिनिमम तो वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना।